वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों दिस इज द 70 डेज कंप्लीट मैथ कोर्स की सीरीज चल रही है। ट्रिग्नोमेट्रिक का ये पार्ट 19 है। ऑलरेडी मैं आपको डेली 5 वीडियो दे रहा हूँ, 3 वीडियो अर्थमेटिक की और 2 वीडियो एडवांस मैथ की। लेकिन आज आपको टोटल 11 वीडियो देने वाला हूँ। इसमें से 4 वीडियो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की दे चुका हूँ और 6 या 7 वीडियो आपको मैं देने वाला हूँ ट्रिगो की, क्योंकि आज ट्रिगो को मैं फाइनल करना चाहता हूँ। ठीक है, अगेन मैं आपको बता दूँ कि आपको 3 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कराए जा चुके हैं, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एंड परसेंटेज, और 4th टॉपिक आपको चल रहा है अर्थमेटिक में आपको प्रॉफिट एंड लॉस, और एडवांस मैथ में भी आज एक टॉपिक कंप्लीट होने वाला है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो देखो डेली आपको 5 वीडियो मिल रही है, जिसमें से 3 वीडियो अर्थमेटिक की, 2 वीडियो एडवांस मैथ की। इस तरह से 17 × 5 350 डेज के, 350 प्लस वीडियो के अंदर, 70 डेज के अंदर पूरा आपका प्री और मेंस सभी कंप्लीट हो जाएंगे। अगेन बता दूं, आप भी इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप पे आउट कर सकते हैं 200 रुपये की कोई कीमत नहीं है। रियल में बोलूं कीमत तो है, बट आप देखो 350 प्लस वीडियो के, एक वीडियो की कीमत करो ना तो 50 पैसे से भी आपको कम में पड़ने वाली है। तो आप भी इस कोर्स के हिस्सा बनना चाहते हो तो आप सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि आप नहीं सपोर्ट कर पाओगे तो हो सकता है मैं ये सीरीज बंद कर पाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क लग रहा है और साथ ही साथ इसके साथ मेरे साथ एक और पर्सन काम कर रहे हैं जिनको मेरे को पे आउट भी करना होता है। तो आप पेटीएम के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हो, तेज ऐप्स के थ्रू भी कर सकते हो, SBI अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हो, और इसकी स्क्रीन शॉट आप सेंड कर सकते हो। इस जब भी पे आउट करें ना तो स्क्रीन शॉट इस पे व्हाट्सएप नंबर पे सेव कर दो, ताकि मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दूं, जहां पे आपको जो टॉपिक्स कंप्लीट हो चुका है उसकी आपको PDF मिल रही है। PDF का मतलब क्या है कि जो क्लास में मैंने क्वेश्चन करा रहा है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल परसेंटेज मैंने 20 वीडियो में कंप्लीट कराया, तो इस पे क्या है 100 क्वेश्चन जो क्लास के कराए गए क्वेश्चन है ना पार्ट 1 से पार्ट 20, वो आपको उसकी PDF भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। और साथ ही साथ 7300 प्लस बुक्स की डाउट सेशन की सीरीज भी चल रही है, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है टेलीग्राम ग्रुप में। तो इस तरह से आप ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। अब देखो इस टाइप में हम वैल्यू पुटिंग मेथड करेंगे, इसीलिए मैंने वैल्यू पुटिंग मेथड को भी आपको बताया था कि ट्रिगो पढ़ने के 3 तरीके हैं। शॉर्ट अप्रोच भी आना चाहिए, बेसिक अप्रोच भी आना चाहिए, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और वैल्यू पुटिंग मेथड भी आना चाहिए। तो देखो वैल्यू पुटिंग मेथड के लिए जनरली की बात करें तो साइन थीटा और कॉस थीटा अगर कहीं भी जनरली फॉर्म में आता है, ये हमेशा नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू पुटिंग मेथड दैट इज नॉट द मेथड, इट इज ओनली फॉर द आपके थिंकिंग और सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वैल्यू पुट करें, किस तरह से आप फास्ट कर सकें। तो साइन थीटा और कॉस थीटा जनरली रहते हैं, तो थीटा की वैल्यू 0 या 90 डिग्री पुट करने से डायरेक्टली जनरली, नॉट ऑलवेज, ठीक है, ओनली फॉर जनरल टर्म में बोला जाए तो इसको हम पुट कर सकते हैं 0 डिग्री 90 डिग्री। टैन थीटा, साइन थीटा और कॉट थीटा एक साथ आते हैं तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट किया जाता है जनरली, क्योंकि कॉट थीटा और टैन थीटा क्या होते हैं 45 पे सेम हो जाते हैं इसलिए। लेकिन कभी भी कोई भी चीज़ फॉलो करो ना तो ऐसा करो कि उसका कोई भी टर्म्स उल्लंघन ना हो, कोई भी टर्म्स क्या कंडीशन क्या हो वो फुलफिल्ड रहे, और ऐसा ना हो कि ऐसी वैल्यू पुट करने लगे तो वो, जैसे मान लो कि सेक 90 डिग्री है, सेक 90 डिग्री की वैल्यू आप पता है कि आपको क्या होता है अनडिफाइंड होता है, इनफाइनाइट सेंस में बोलते हैं लेकिन अनडिफाइंड होता है, जब डिफाइंड ही नहीं है तो 90 डिग्री वैल्यू नहीं रख सकते। उसी तरह टेन, ठीक है, सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है अनडिफाइंड होता है, क्योंकि अगर मैं बात करूं कोस 90 होता है 1, ठीक है, सेक 0, टेन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है अनडिफाइंड, और कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता तो ऐसा कंडीशन कोई मत रख देना कि डिनोमिनेटर में 0 होता है, क्योंकि 1/0 कहीं भी टर्म हो वो अनडिफाइंड केस हो जाता है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। अगर आप 12th क्लास में लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत भी, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी जो क्या कि व्हाट आई एम सेइंग अबाउट इट, कि 1/0 इज अनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड को कैसे हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखो साइन और टेन का फॉर्म है ना, तो आप थीटा की वैल्यू नॉर्मली हम क्या 0, 30, 60, 45 और 90 के बारे में जानते हैं, तो इसी में से कोई पुट करेंगे। लेकिन ध्यान से देखो साइन और टेन है ना, अगर हम टेन की वैल्यू 90 डिग्री रख देते हैं, देखो टेन की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो टेन 90 क्या होता है, टेन 90 होता है अनडिफाइंड, इनफाइनाइट, तो ये रख नहीं सकते, ठीक है। अगर टेन, देखो गलती से टेन की वैल्यू 45 मत रख लेना, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू 45 रखोगे तो टेन 45 क्या हो जाएगा 1, ये तो ठीक है, लेकिन 1 - 1 देखो नीचे क्या बन जाएगा 0, और 0 जहां भी बनाओ किसी भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 डैट इज अनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो 0 भी नहीं हो सकता, 45 डिग्री भी नहीं ले सकते। तो अब तीनों में से कोई ले सकते हैं, 0, 30, 60 सभी पे आंसर आ जाएगा। तो हम क्यों ना सबसे पहले जो आसान है 0 ले लें, तो
पुट ऐसे क्वेश्चन में आप 0, 30, 60 थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री भी ले सकते हो, लेकिन साइन 30 और 60 की वैल्यू टेन में डिफरेंट, टेन देखो साइन 0 0 होता है और टेन 0 भी 0 होता है, तो इसलिए हम 0 डिग्री लेके आसानी से कर लेंगे। आप इन सभी पे भी रख सकते हो, आसान क्वेश्चन का आंसर उतना ही आएगा। तो देखो जैसे क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, 1 माइनस साइन 0, 2 इंटू साइन 0 0, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 प्लस टेन 0 0, 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0, ऐसे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1 इधर 1 हो गया इंटू इधर क्या बन गया 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1, इधर क्या बन गया 1 इंटू क्या हो गया 2, यानी कि आंसर क्या हो गया 2, ऐसे क्वेश्चन का आंसर 2 हो गया। आप 60 कभी भी 45 मत लेना, क्योंकि 45 रहोगे 10 45 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा अनडिटर्मिनेंट। 90 नहीं लिख सकते क्योंकि 10 90 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, तो इसीलिए कोई ले सकते हैं बट हम 0 इसलिए ले। अब यही चीज़ आपके प्रैक्टिस पे, देखो वैल्यू फुटिंग मेथड पे ना आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उतना ही कम है, तो इस ये सेंस आपको तभी डेवलप हो सकता है जब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या है, बुक्स उठा लो प्रीवियस ईयर के, उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन भी आपको वैल्यू फुटिंग मेथड से बना सकते हो। क्वेश्चन कर रहा है एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ध्यान से देखो, और वाई इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। यहां देखो आप, देखो थीटा की वैल्यू क्या 0 ले सकते हो, 0 नहीं ले सकते क्योंकि सेक 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, नहीं ले सकते। क्या क्या आप सोच लो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले सकते हो, नहीं, क्योंकि कोसेक 90 क्या होता है, कोसेक 90 बात करूं, कोसेक 90 क्या होता है, देखो साइन 0 0 होता है, ठीक है मेरे को एक बार चेक कर लेने दो, साइन 0 1 होता है, तो कोस ठीक है, ठीक है देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ें देखो, आप वैल्यू आपको सारा वैल्यू पता होना चाहिए। देखो कोस 0 तो कितना होता है, कोस 0 1 होता है, लेकिन कोस 0 1 होता है, और कोस 90 कितना होता है, कोस 90 होता है 0, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 नहीं ले सकते क्योंकि अगर सेक 90 की बात करें जाए तो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं थीटा की वैल्यू 0 तो कोसेक थीटा, कोसेक 0 डिग्री पे क्या होता है, अनडिफाइंड, तो ये दोनों केस तो ले नहीं सकते क्योंकि सेक थीटा है और कोसेक थीटा है, नीचे भी दिया है। तो अब बताओ हमारे पास बचा कितना, 0 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, 0 कट गया, 30 60 और 45 बचा, तीन चीज बचा। तो देखो आपको ऐसा वैल्यू क्यों, तीनों में से कोई ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं 45 लेता हूं तो इजीली कैलकुलेशन कर सकता हूं, क्यों कर सकता हूं ये भी चीज बताता हूं, क्योंकि देखो 45 पे साइन और कॉस की वैल्यू सेम हो जाएगी और सेक और कोसेक की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि इसके अपोजिट होते हैं, तो बस 45 डिग्री रख लेते हैं। आप रख सकते हैं, ये दोनों भी रख सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई वैल्यू रख सकते हो, बट वो याद रखना कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन का उल्लंघन ना हो। तो एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री रख देते हैं, तो साइन 45 कितना होता है, 1 बाय रूट 2, और कॉस 45 1 बाय रूट 2, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू 1 रूट 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2, यानी कितना हो गया रूट 2, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ गई आपको रूट 2। वाई की बात करें तो वाई की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 45 रूट 2 और ये रूट 2, यानी कि वाई की वैल्यू क्या आ गई 2 रूट 2, लेकिन हमसे ऑप्शन में ये दिया हुआ है, हम चेक करेंगे कि एक्स की वैल्यू रूट, एक्स की वैल्यू रखें, अगर देखो एक्स की वैल्यू 2 रखें, ध्यान से देखो, अगर हम बात करते हैं एक्स की वैल्यू क्या, देखो हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, देखो मेरे को ध्यान से बोल गया, क्वेश्चन में ये फाइंड करना था, फाइंड वाई की वैल्यू क्या होगी, देखो वाई की वैल्यू क्या हो गई, तो एक्स की वैल्यू अगर रूट टू रखें ऑप्शन में, तो वाई की वैल्यू क्या आना चाहिए, 2 रूट 2 आना चाहिए, क्योंकि वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना था ना इसमें, ठीक है क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है, तो वाई की वैल्यू ये दी हुई है ऑप्शन में, तो इसमें एक्स के जगह पे मैं रख देता हूँ रूट टू, अगर एक्स की जगह पर रूट टू रखूंगा, सॉरी मैं देख लेता हूँ ऐसे आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है, वैसे फिर से एक बार बता देता, थीटा इज इक्वल टू हमने क्या रखा था 45, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 कितना हो गया, हो गया आपका 2 बाय रूट 2, यानी कि इसका 2 बाय रूट 2 रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट टू, क्यों, 2 बाय रूट 2 है ना, 2 को लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2, कैंसिल हो गया क्या हो गया रूट 2। उसी तरह y की वैल्यू क्या करेंगे, तो y की वैल्यू इसमें रखूंगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो सेक 45 देखो पहले मैंने इसमें रखा था, ठीक है अब इसमें रखता हूँ, तो सेक 45 कितना होता है रूट 2 और प्लस रूट 2 क्या बन गया 2 रूट 2। हमसे क्वेश्चन में निकालना क्या था, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज फाइंड, क्वेश्चन में निकालना था
y की वैल्यू ज्ञात करना है, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू ये क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ है, तो अगर x की वैल्यू ये रखता हूं तो y इसके बराबर आना चाहिए। तो देखो मैं इसमें रख लेता हूं, x की वैल्यू रखता हूं तो टू रूट टू, टू रूट टू डिवाइडेड बाई टू, टू प्लस वन, टू और प्लस वन, दो दो टू प्लस वन, क्योंकि x की वैल्यू रूट टू रखना है। इधर मैं रखूँ तो टू रूट टू डिवाइडेड बाई टू माइनस वन, ठीक है, आपको पता चल गया। यहीं से देखो यहाँ पे क्या आ गया, टू रूट टू बाई वन, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई ये, क्योंकि y की वैल्यू ही दी हुई तो क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, फिर भी चेक कर लो, ये तो बन नहीं सकता क्योंकि ये टू रूट टू बाई क्या है, थ्री है, जबकि ये वाई वैल्यू नहीं है। रूट टू डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, टू प्लस वन, ये तो बन ही नहीं सकता। ये देखो ये क्या बन जाएगा, रूट टू डिवाइडेड बाई वन, रूट टू तो आ नहीं रहा वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू टू रूट टू है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन आपको मेन्स एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे कह दिया वन प्लस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करें। तो देखो आपको ऐसे क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग मेथड से कर सकते हो, कैसे करोगे आप, देखो जीरो नहीं ले सकते क्योंकि जीरो पे क्या होता है, देखो जीरो पे क्या होता है, कोट जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड हो जाएगा अगर, और दूसरी चीज कोसेक भी अनडिफाइंड होता है जीरो पे। 90 नहीं ले सकते 90 क्योंकि tan थीटा tan 90 डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा, tan 90 डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये तो ले नहीं सकते। आप ले क्या सकते हो 30, 45 और 60, तो हम ऐसा वैल्यू लेते हैं ना जो आसानी से कर सकें, तो 45 ले लें यहाँ पे, क्योंकि देखो 45 पे tan और cot की वैल्यू सेम होती है और 45 पे sec और cosec की सेम होती है, इसीलिए मैं लेना 45 थीटा इक्वल टू 45 रख लिए, तो cosec थीटा cosec 45 रूट टू cot थीटा 1 इंटू ये क्या हो गया, देखो ध्यान से, वन माइनस ये क्या हो गया, कॉस सेक 45 रूट टू और प्लस टेन 45, वन वन से वन कैंसिल हो गया और इधर कितना बच गया, टू प्लस रूट टू और इंटू क्या इधर हो गया माइनस, देखो टू प्लस रूट टू, सॉरी ये कटेगा नहीं, मैंने गलती से काट दिया, यहाँ पे देखो आपसे कटेगा नहीं, इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा आपको, मैं कलर चेंज, 2 माइनस रूट टू। अब आपको पता चल गया a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस टू, यानी क्या हो गया आंसर 2, ऑप्शन नंबर ए। आप 30 डिग्री और 60 डिग्री भी अभी लेके चेक कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन क्या है 30 अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग निकालने से बेटर है हम ऐसे ही वैल्यू चूज करें जिससे हम आसानी से निकाल सकते हैं, और ये आपको डेवलप होगा जब प्रैक्टिस करने लगोगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आपको मेंस का क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में पूछा गया, यू एन इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस साइन एन थीटा, तो देन द वैल्यू ऑफ 2u6 2u4 प्लस 1 की वैल्यू ज्ञात करो। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे सिंपलेस्ट u0 की वैल्यू, u0 कितना हो जाएगा कॉस, देखो u0 की वैल्यू मैं बता दूं, देखो यहां से मैं इरेज कर लेता हूं थोड़ा सा सोल्यूशन, ऐसे क्वेश्चन में पेन आज थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है, देखो यू जीरो रखता हूँ तो कॉस जीरो क्या होता है 1 प्लस साइन जीरो क्या हो जाता है 0, यानी यू जीरो की वैल्यू क्या मिल गई 1, यू जीरो की वैल्यू मिल गई 1, ठीक है, यू जीरो की वैल्यू क्या मिल गई 1, क्यों, क्योंकि देखो यू जीरो रखूंगा तो कॉस जीरो यानी 1 पे पावर एन, और साइन जीरो ही होता है तो 0 पे पावर यानी 0, 1 पे पावर कितना भी पावर है तो 1 और प्लस 0 क्या हो गया 1, यानी कि u 0 पे वैल्यू कितना आ गई 1। अब देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है आपसे, 2u6 प्लस 3u4 प्लस ये 2u6 माइनस 3u4 प्लस 1। आप सोचो u 0 की वैल्यू 1 है तो u6 कुछ भी ले लो ना, क्योंकि यह कॉन्स्टेंट टर्म आ गया ना। आप ध्यान से रखो कि अगर u 0 पे वैल्यू 6 1 आ गई तो ये क्या है, u 0 पे वैल्यू 1, ये तो कांस्टेंट ऑलरेडी है, वेरिएबल टर्म नहीं है ना, तो u 6 भी क्या होगा 1, u 4 भी होगा क्या 1, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ये, कांस्टेंट 0 एक वेरिएबल टर्म नहीं है, u n इज द वेरिएबल टर्म, लेकिन हमने u 0 पे वैल्यू निकाल लिया तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया, यानी सारे की वैल्यू जितने भी वैल्यू हैं क्या होंगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म पे वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, तो 2 इंटू इसकी वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, सिंपल सा जी, 2 माइनस 3 प्लस 1 यानी क्या हो गया 4 माइनस 3 की वैल्यू क्या हो गई 2 माइनस 1 3 माइनस 3
टू प्लस वन थ्री माइनस थ्री, इसकी वैल्यू क्या हो गई जीरो, इस तरह से वैल्यू जीरो। अब ये मत आप क्या करने ऐसे मत निकालने लगना कि टू इंटू यू सिक्स की वैल्यू तो यहाँ पे पावर सिक्स, क्योंकि आपको यू एक स्मॉल लेटर ले लिया, यू जीरो की वैल्यू क्या है वन, यानी जीरो का मतलब क्या कॉन्स्टेंट टर्म, यू सिक्स भी ले लें तो भी वैल्यू वन आएगी, यू फोर क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म में वेरिएबल रख नहीं सकते, तो सारे की वैल्यू क्या हो जाएगी वन, तो टू इंटू वन थ्री माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ऐसे क्वेश्चन आपको मेन्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, टेन क्यू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस ई स्क्वायर, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन में आप देखो थीटा इज इक्वल टू 45 रखोगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन, और ये सोच रहे हो कैसे हमें करना है, तो भाई ये आपकी प्रैक्टिस से, मैंने आपको बताया ना टेन थीटा जहाँ भी फॉर्म है तो मैक्सिमम टाइम में 45 डिग्री से ही बन जाता है क्वेश्चन। देखो टेन 45 वन यानी वन का क्यूब इज इक्वल टू वन माइनस ई स्क्वायर, आप ध्यान से देखो वन इज इक्वल टू वन माइनस ई स्क्वायर, इसको मैं इधर लेके जाता हूँ इसको इधर, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो, ई स्क्वायर जीरो हो गया। अब देखो ई स्क्वायर जीरो हो गया, हमारा क्वेश्चन क्या निकालना था, सेक थीटा प्लस टेन क्यू थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू, सेक 45 आपको पता है सेक 45 कितना होता है रूट टू, प्लस टेन 45 वन इंटू कोसेक 45 कितना होता है रूट टू, आपको मिल क्या गया टू रूट टू, टू रूट टू का मतलब क्या होता है टू पे पावर वन इंटू टू पे पावर, इसका मतलब क्या होता है वन बाई टू, पावर ऐड हो जाता है तो वन बाई टू प्लस वन, वन प्लस वन बाई टू यानी टू पे पावर कितना हो गया थ्री बाई टू। आप देख के भी कर सकते थे थ्री बाई टू ऑप्शन में कौन सा है ए, तो ऑप्शन नंबर ए, लेकिन प्रूफ भी करना है तो देखो ई की वैल्यू जीरो रख दिया, ई स्क्वायर जीरो, तो टू माइनस जीरो पे पावर क्या हो गया थ्री बाई टू, फाइनली क्या हो गया टू पे पावर थ्री बाई टू, ई की वैल्यू जीरो रखेंगे तो टू पे पावर वन बाई टू आ गया, ई की वैल्यू जीरो रखेंगे तो टू पे पावर वन बाई टू आ गया, ई की वैल्यू जीरो रखेंगे तो टू पे पावर सॉरी यहाँ पे वन और वन पे पावर क्या बन जाएगा वन पे पावर, ई की वैल्यू जीरो रखेंगे तो यहाँ पे वन होगा ना वन पे पावर वन बाई टू हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा ई की वैल्यू जीरो रखेंगे वन पे पावर फाइव बाई टू, कौन मैच कर रहा है टू पे पावर थ्री बाई टू, ऑप्शन नंबर ए, या तो पावर भी देख के थ्री बाई टू कौन सा है ये, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये भी आपको क्वेश्चन प्री या मेन्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है वो चीज़ समझाता हूँ। देखो इसके तीन मेथड हम करेंगे, एक तो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड मेथड है, फार्मूला बेस्ड मेथड क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे देखो कहीं भी क्वेश्चन दिया रहे, देखो एक तो मेथड थ्री फार्मूला क्या है कि अगर एक्स साइन क्यू थीटा हो प्लस वाई साइन वाई कॉस क्यू थीटा इज इक्वल टू के इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हो और पूछे आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है के स्क्वायर। जैसे इसमें देखो ये दिया हुआ है आपसे पूछा क्या गया है, देखो के की वैल्यू क्या है यहाँ पे फोर, आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो के का स्क्वायर कर लो, के का स्क्वायर यानी कि फोर का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो डायरेक्ट आपका रिजल्ट का आंसर आ जाएगा। ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। मेथड वन, मेथड वन आपको क्या कर सकते हो, मेथड वन वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, थीटा की वैल्यू क्या कर आराम से, अब ये नहीं 45 मैंने रख दिया, आप कुछ भी पुट कर लो, ऐसे क्वेश्चन पुट करो जिसकी मतलब कि आसानी से निकाल सकते हो, 30 भी पुट करके निकाल सकते हो, 20 भी पुट कर सकते हो, मतलब 30 60 भी पुट कर सकते हो, 90 भी पुट कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। 45 देखें तो एक्स एक्स इंटू एक्स इंटू साइन 45 वन बाई रूट टू का होल क्यूब, ठीक है, प्लस वाई इंटू इसमें रख रहा हूँ वाई इंटू कॉस 45 यानी वन बाई रूट टू का होल क्यूब इज इक्वल टू फोर इंटू वन बाई रूट टू इंटू वन बाई रूट टू। देखो ये क्या बन गया 2x, देखो यहाँ पे क्या बन गया, ध्यान से रखो, ध्यान से देखना आप। चलो अब मैं आपको यहाँ से देखता हूँ क्या क्वेश्चन बन गया एस। अब देखो यहाँ से यहाँ पे y है ना, यहाँ पे देखो x इंटू साइन 45 रखूंगा तो 1 बाई रूट टू, वाई इंटू कॉस 45 रखूंगा तो 1 बाई रूट टू, कैंसिल हो गया, यानी x के जगह पे y, यहाँ पे x y के जगह पे x रख सकता हूँ, ये देखो दो बार आ गया ना, दो बार आ गया, तो 2x इंटू 1 बाई रूट टू का स्क्वायर 1 बाई टू रूट टू का स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 बाई टू रूट टू बन गया, क्यों, क्योंकि देखो 1 बाई रूट टू का होल क्यूब करना है ना, तो ऐसे कर लो 1 बाई रूट टू इंटू रूट 1 बाई रूट टू इंटू, देखो ऐसे कर लो 1 बाई रूट टू का स्क्वायर इंटू रूट टू लिख सकता हूँ इसको, क्यों, देखो एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ कैसे, आप नहीं समझ पा रहे हो। जैसे देखो 1 बाई रूट टू का होल क्यूब है ना, 1 बाई रूट टू का होल क्यूब है, देखो
अगर इसको 1 बाय रूट टू का होल क्यूब करना है तो आपको ये पता चल रहा है डायरेक्टली कि 1 बाय टू रूट टू हो जाएगा। क्यों? देखो 2 का स्क्वायर करूंगा, रूट टू का स्क्वायर तो रूट टू, और फिर रूट टू पर पावर 1 बचा तो रूट टू हो जाएगा, तो ये बच गया। और इज इक्वल टू इधर क्या बचा, 4 इंटू 1 बाय टू, यानी कि क्या बचा 2। सिंपल सा चीज, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स इंटू 1 बाय टू रूट टू इज इक्वल टू क्या हो गया 1। एक्स की वैल्यू क्या हो गई 2√2, एक्स की वैल्यू 2√2 हो गई तो वाई इक्वल है एक्स के, तो वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2√2। बस वैल्यू पुट रख लूँ 2√2, ठीक है, 2√2 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 का होल स्क्वायर, ये कितना बन गया 4 × 8 प्लस इधर भी क्या बन गया 8, यानी कि क्या हो गया 16। देखो इससे भी वही रिजल्ट आया। तो आप किसी तरह भी कर सकते हो। अगर मेथड थ्री अगर आपको नहीं वैल्यू पुट करना है तो मेथड थ्री बेसिक अप्रोच से भी जा सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से, ये इतना है ना, इसको हम सोल्व कर लें। देखो ऊपर वाला लिखते हैं एक्स साइन थीटा इंटू एक्स, चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, चलो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ऊपर वाले को मैं लिखता हूँ एक्स साइन क्यू थीटा प्लस वाई, देखो वाई के जगह पे y cos थीटा, यहाँ पे देखो आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ, y cos थीटा क्या है x sin थीटा, यानी कि y के जगह पे क्या लिख सकता हूँ x sin q थीटा हो जाएगा। देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ से आपको समझा दे रहा हूँ। एक बार ऐसे ऊपर वाले को लिया ना, ऊपर वाले को लिया तो ऐसे ही रहने दो, y cos थीटा को रहने दो, cos स्क्वायर थीटा हो गया, इधर 4 इंटू साइन थीटा इंटू क्या हो गया cos थीटा, ऐसे ही रख दो, बस यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया इसको, ठीक है। अब ध्यान से देखो x साइन थीटा का होल क्यू है प्लस इधर y cos थीटा के जगह पे क्या रखता हूँ x साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से देखो x साइन थीटा दोनों में से कॉमन कर लूँ तो इधर क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 4 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, ये वैल्यू 1 हो गई, यानी x साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया x साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा। साइन थीटा से टाइन थीटा कैंसिल हो गया, यानी क्या बच गया यहाँ से x साइन थीटा मैंने कॉमन कर लिया था ना, x साइन थीटा कॉमन किया था, तो साइन थीटा से साइन थीटा यहाँ पे साइन थीटा हुआ कैंसिल हो गया, यानी x क्या हो गया 4 cos थीटा, x की वैल्यू 4 cos थीटा आ गई। देखो x की वैल्यू 4 cos थीटा, अब यहाँ पे ध्यान रखो x की वैल्यू हमसे क्या निकल गई 4 cos थीटा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो y की वैल्यू x की वैल्यू 4 cos थीटा है, मैं यहाँ पे रख दूँ, देखो x की वैल्यू 4 cos थीटा, तो x sin थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा, ये लेंदी मेथड है, बताना जरूरी था। x की जगह पे क्या लिखूँ 4 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा क्या हो गया कैंसिल, यानी y क्या मिल गया 4 sin थीटा। हमसे पूछ क्या रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितना है 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा, 16 कॉमन कर लूँ तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, यानी इस तरह से भी क्या आ गया 16 आंसर आ गया। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप में वैल्यू पुटिंग मेथड आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन करा है ए कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, बी सेक थीटा माइनस कोस थीटा। आप थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हो 45 रख सकते हो, थीटा की वैल्यू आप 0 नहीं रख सकते। देखो थीटा की वैल्यू 0 नहीं रख सकते क्योंकि 0 रखोगे तो सेक अनडिफाइंड हो जाएगा, सेक 0 क्या होता है, सेक 0 होता है अनडिफाइंड, ठीक है। उसी तरह 90 नहीं रख सकते थीटा की वैल्यू, 90 नहीं रख सकते हो, 90 क्यों नहीं रख सकते हो कोसेक 90, देखो सेक 0 कोसेक 90 क्या होता है, देखो कोसेक जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा और सेक 90 क्या हो जाएगा, सेक 90 हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। आपको तो कोई भी, जैसे देखो क्यों ऐसा कर रहा हूं, जैसे ध्यान से देखो सेक, अगर आपको सेक आप चलो कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1 होती है और कोस 90 क्या होता है, कोस 90 जीरो, तो सेक 90 क्या होगा अनडिफाइंड, यहाँ पे सेक 90 अनडिफाइंड। अगर साइन जीरो जीरो होता है तो कोसेक जीरो क्या होता है, कोसेक जीरो होता है अनडिफाइंड। तो यानी आप तो ना तो वैल्यू थीटा की वैल्यू 90 रख सकते हो ना ही जीरो, तो रख क्या सकते हो थीटा की वैल्यू 30, 45 और 60, तो ऐसा रखो ना जो आसानी से बन जाए, 45 रख दें तो देखो ए की वैल्यू क्या मिल गया कोसेक 45 रूट टू, साइन 45 1 बाय रूट टू, यानी ए की वैल्यू क्या मिल गई
टू माइनस वन बाई रूट टू यानी क्या वन बाई रूट टू। बी की वैल्यू देखते हैं, बी की वैल्यू निकाल दें तो कोसेक 45 रूट टू माइनस साइन 45 वन बाई रूट टू। बी की भी क्या मिल गया टू माइनस वन बाई रूट टू यानी कि मिल गया वन बाई टू। अब हमसे पूछ क्या रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस थ्री, ए की वैल्यू कितनी है वन बाई टू का होल होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री यानी कितना हो गया वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर प्लस थ्री। बस वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर कितना हो गया वन बाई टू प्लस थ्री यानी कितना हो गया सेवन बाई टू। तो सेवन बाई टू के आंसर हो जाएगा, कहीं गलत नहीं कर दिए ना, बस ये ध्यान रख लो। नहीं बस इतना ही है, चलो ये तो सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी है ना साथ में। देखो मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने सिर्फ इतना की वैल्यू निकाल ली है ना, हमने सिर्फ इतना की वैल्यू निकाले ये सेवन बाई टू आ गया। इसकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी करेंगे ना तो ए स्क्वायर कितना वन बाई टू का स्क्वायर इंटू वन बाई टू का स्क्वायर यानी वन बाई फोर इंटू वन बाई फोर यानी वन बाई सिक्सटीन, वन बाई क्या हो गया सिक्सटीन ठीक है। सॉरी ए की वैल्यू कितनी आई है वन बाई रूट टू है ना, देखो मिस्टेक हो रहा है मैं बता रहा हूँ कहाँ से हमने यहाँ तक ला दिया ना, देखो ध्यान से मैं इरेज कर लेता हूँ पूरा का पूरा, मिस्टेक हो रहा है। एक तो पेन नहीं चल रहा है आज पता नहीं क्यों। देखो ए की वैल्यू कितना आ रही थी हमारी वन बाई रूट टू, बी की वैल्यू कितनी आ रही है वन बाई रूट टू, यहाँ तक हमने निकाल लिया। वो कैसे निकाले थे थीटा की वैल्यू क्या करके 45 डिग्री के। तो ए इजिक्वल टू चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ए इजिक्वल टू कितना हो गया रूट टू माइनस वन बाई रूट टू, तो क्या हो गया टू माइनस वन बाई रूट टू यानी वन बाई रूट टू। बी की वैल्यू उसी तरह बी इसमें रखूंगा सेक 45 रूट टू माइनस कॉस 45 वन बाई रूट टू यानी टू माइनस वन बाई रूट टू क्या हो गया वन बाई रूट टू। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर रखूंगा तो वन बाई टू रूट टू का स्क्वायर वन बाई टू, वन बी वन बाई रूट टू का स्क्वायर वन बाई टू, इधर क्या करूंगा वन बाई टू और प्लस वन बाई टू प्लस थ्री, ये कितना हो गया आप देखो वन बाई फोर इंटू ये क्या हो गया टू वन बाई टू प्लस वन बाई टू कितना हो गया वन प्लस थ्री यानी कितना हो गया वन बाई फोर इंटू फोर कैंसिल हो गया यानी कि वैल्यू क्या आ गई वन। तो वन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स जरूर करें कि आपको वीडियो से हेल्प मिल रही है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।